सामवेद वेद का अंग है। वेद को हम धर्म ग्रंथ कहते हैं, लेकिन उस धर्म का अर्थ केवल पूजा नहीं है, पूजा उसका एक अंग है, परंतु उस वो ज्ञान है जो जानना है। वेद शब्द का अर्थ है जो जानना है, वो यानी ज्ञान। और ज्ञान दोनों प्रकार का होता है, एक बाहर की दुनिया का ज्ञान, दूसरा अंदर का ज्ञान। हमारे यहां इन दोनों के बिना ज्ञान को पूर्ण नहीं माना जाता। अभी जो प्रार्थना आपने सुनी, ऊर्जा मित्रो वरुण पिनवंतेड़ा पीवरी मिशम कृणुहीन इंद्र, तो भरपूर अन्न आदि मांगा है हम सबके लिए, और ज्ञान भी मांगा है। तो ये जो बाहर के पदार्थ है, बाहर की दुनिया है, वो हमारे शरीर मन बुद्धि के सुख का साधन बनती है, इसलिए उसको जानना होता है, उसको हम कहते हैं विज्ञान। लेकिन केवल उसको पाना हमको सुख नहीं दे सकता। ये ज्ञान है ना, सामवेद है। अब वेदों में सूत्र है, समझ में आना कठिन है। वेदों का सही अर्थ पाने के लिए अनुभूति चाहिए, परंतु उसका तत्वज्ञानात्मक विचार साथ साथ कुछ ब्राह्मण और आरण्यक, ऐसी दो बातें रहती है, उसमें किया जाता है। सबसे अधिक विस्मृति सामवेद की है, 1000 इसकी शाखाएं थी। आज कुछ लोग कहते केवल 3 है, कुछ लोग कहते 11 है, 11 के ऊपर कोई नहीं जाता। कौथुमीय, राणायनीय, जैमिनीय, ऐसी शाखाएं हैं। लेकिन उसमें बहुत सारा पहले वेदों का है। जैसे राणायनीय शाखा में जो ऋचाएं हैं 1549 ऋग्वेद से ली, और केवल 75 सामवेद की अपनी। सामवेद की और एक विशेषता है, भारतीय संगीत का उद्गम उसमें है। वेदों को गाते समय 3 स्वरों का उपयोग करते हैं, एक सामान्य स्वर है जिस स्वर में हम बोलते हैं, एक उससे नीचा स्वर है, एक ऊपर का स्वर है, उदात्त जो हम बोल रहे, अनुदात्त नीचे का, स्वरित हम जो बोल रहे, अनुदात्त नीचे का है और उदात्त ऊपर का है। इन 3 स्वरों की अनुभूति से 7 स्वरों का सप्तक समझ में आया। उस सप्तकों के कारण ग्राम रचना का संगीत आया, ग्राम रचना के कारण हमारे यहाँ ध्रुपद गायन आया। डागर बंधु जिस गायन के विशेषज्ञ हैं, ये ध्रुपद गायन है, उसके आधार पर सारा राग संगीत है। तो भारतीय संगीत का, और सप्त स्वरों की कहे तो दुनिया भर के संगीत में जो 7 स्वर है उसका उगम इसमें है। तो ये दोनों बातें 1549 ऋचाए ऋग्वेद की, सामवेद की अपनी 75। तो ऐसा लगता है, ये जानकारी लेने के बाद, मैं अध्ययन से नहीं बोल रहा हूं, ये सुनाई दिया तो लगता है कि तीनों इसके पहले के वेदों का सारांश सामवेद में है। और दूसरी बात कि ये संगीत के रस से भरपूर है, संवेदना से भरपूर है। शायद सरस सारांश होने के कारण भगवान ने वेदानाम सामवेदोस्मि ऐसा कहा होगा।